एक लाइन ड्रॉ करो इक्वल यूनिट का, एक यूनिट की कंपास खोलो, इतना कंपास खोलना है और आर्क लगा देना है। सेम कम सेम रेडियस से एक और आर्क लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको एक यूनिट लिया है। 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसको जॉइन करना है, आर्क से इंटरसेक्ट कराना है। ये ए पॉइंट लिखिए और ये बी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ए बी को मिला दीजिए। आपने ये सब काम पेंसिल से करना है। ए बी जितनी आर्क खोलिए और डॉटेड लाइन बना दीजिए। नंबर लाइन में इंटरसेक्ट कराइए। ये रूट टू की लाइन है। दिस इज वन यूनिट, वन यूनिट एंड रूट टू। कैलकुलेशन करके आएगा रूट टू। कैसे कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे सी लेते हैं। देखिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वन यूनिट, ये वन यूनिट, इसको निकालना है हमको। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो देखिए वन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस वन बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, वन प्लस वन, हाइपोटेन्यूस इज रूट टू, यानी कि वन यूनिट हमने यहाँ से लिया, वन यूनिट, और वन यूनिट परपेंडिकुलर बनाया विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल। इतना खोल दिया, इतना रेडियस खोला और इसको डॉटेड लाइन बनाया। फिर ये जो इंटरसेक्ट करेगा ये रूट टू का पॉइंट होगा। ठीक है, ये देखा हमने रूट टू का। अब देखिए रूट थ्री कैसे बनाते हैं। रूट थ्री की कैलकुलेशन देख लीजिए पहले। रूट थ्री हमारे पास आएगा, रूट टू को स्क्वायर करेंगे और वन को स्क्वायर करेंगे तो टू प्लस थ्री आएगा। और यहाँ पे जो भी हम नेम करेंगे उसको लिखेंगे और ये रूट टी थ्री के रूट वन स्क्वायर इज वन, रूट थ्री आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने रूट टू से ही स्टार्ट करना है काम। रूट थ्री के लिए हमको रूट टू बनाना ज़रूरी है। रूट टू से हमने वन यूनिट लेना है। मेजर करो वन यूनिट, कहीं से मेजर करो, इसी इतना ही रखना है हमको। रूट टू से वन यूनिट करना है। फिर से हमको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। डी तक जॉइन करो और ए और डी को रेडियस कंसीडर करते हुए फिर से आर्क लगा दिया और नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करा रहा है। ए और डी को जॉइन करना है पहले, उसके बाद ही आर्क लगा दिया। ठीक है, ए डी की जो आर्क लगाई है उसमें ये रूट थ्री नंबर लाइन में शो हुआ और यहाँ पे रूट थ्री लिखना है। ए और बी रूट टू है हमारे पास। ये वन यूनिट था। ठीक है,
ए और ई तक उतना उतना हमारे पास रूट टू यूनिट था। हमने ये रूट थ्री का कैलकुलेशन किया, रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके आएगा रूट थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स।